दुनिया में हर रोज ना जाने कितने रिश्ते टूटते हैं, कितने तलाक होते हैं, पर ब्रिटिश का ये तलाक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे इतिहास का सबसे महंगा तलाक कहा जा रहा है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, आखिर क्यों इस तलाक को सबसे महंगा तलाक कहा जा रहा है। बता दें कि ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को दुबई के शासक को अपनी पूर्व पत्नी और उनके बच्चों को 554 मिलियन पाउंड यानी कि 5,540 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। ये ब्रिटिश इतिहास में सबसे महंगा तलाक में से एक है। लंदन के एक जज ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को राजकुमारी हया बिंत अल हुसैन को सुरक्षा और खोई हुई वस्तुओं जैसे कपड़ों को कवर करने के लिए 3 महीने के अंदर 251.5 मिलियन पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि जब तक बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक दुबई के शासक को 11 मिलियन पाउंड का वार्षिक भुगतान करना होगा। इस राशि को 290 मिलियन पाउंड बैंक गारंटी सुरक्षित किया जाएगा। जज फिलिप मूर ने कहा कि ये राजकुमारी हया को उनके तलाक के बाद आर्थिक मदद देगा। वहीं उन्होंने कहा कि शेख ने सुरक्षा गारंटी के लिए असामान्य रूप से उच्च पुरस्कार अपने सिर पर लिया है। एक अन्य जज ने बताया कि दुबई के शासक ने अपनी पत्नी और उसकी कानूनी टीम के फोन को हैक करने के आदेश दिए थे। शेख ने मामले में अपनी तरफ से कोई भी दावा नहीं किया। वहीं पिछले 2 सालों में लंदन की अदालतों ने दुबई शाही परिवार से संबंधित कई आरोपों पर फैसले को सुनाया है। जज के फैसले के मुताबिक राजकुमारी हया ने मामले के दौरान कहा कि उनकी घेराबंदी की गई थी और शेख की निगरानी परेशान करने वाली थी। राजकुमारी ने वित्तीय दावा इसलिए किया था क्योंकि वह अपनी निजी संपत्ति को फिर से हासिल करना चाहती थी। समझौते के हिस्से के रूप में जज मूर ने निजी जेट विमानों पर उड़ानों सहित छुट्टियों पर खर्च करने के लिए परिवार को सालाना 5 मिलियन पाउंड से अधिक का पुरस्कार दिया। डेली अपडेट्स पाने के लिए बने रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।